अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिटेल्स। ओके, रिकॉल दैट स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव। क्लियर बेटे? मैंने आपको बताया था कि आप स्केल लें रियल नंबर का, रियल नंबर्स दे आर नेगेटिव और पॉजिटिव, जो भी है, मतलब रैशनल या रैशनल का यूनियन, उसमें नेगेटिव भी अगर उसका आप स्केयर लेंगे नेगेटिव नंबर का भी, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। डेफिनेटली माइनस टू का स्केयर लें तो माइनस टू स्केयर मीन्स माइनस टू को मल्टीप्लाई किया माइनस टू से टू टाइम्स, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो दैट विल बी पॉजिटिव, मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, वहाँ तक तो आपको, चले मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है डिटेल्स बता दिया कि रियल नंबर्स क्या हैं, किस चीज़ का यूनियन। अब साथ एक प्रॉब्लम आ गई है, अब हम इस प्रॉब्लम को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनको क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, मैं इसे सॉल्व करना चाह रहा हूँ। राइट, सिंपली सॉल्व किया जी, कैसे सॉल्व करूँगा, राइट साइड पर जीरो है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को राइट साइड पे लेकर जाऊँगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस वन होगा। अब देखो, पहले तो मैंने ऐसे करता रहा हूँ, अब इसे सॉल्व करना, तो डेफिनेटली मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए ना, आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये फाइंड करने के लिए डेफिनेटली मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वेयर को कैंसिल, इधर स्क्वेयर रूट ले लिया, अब स्क्वेयर रूट के अंडर माइनस आ गया नेगेटिव नंबर। अब ये तो आपने कहीं भी किसी सेट में भी नहीं पढ़ा, ठीक है ना। आप रियल की रैशनल की बात करें, इरेशनल में करें, इरेशनल मैंने कहा था प्राइम नंबर्स होते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स का अगर आप स्क्वायर लें, इफ़ यू टेक द स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट, तो आप वो सारे नंबर जैसे 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, ये प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन ये माइनस के साथ नहीं थे, चलिए इस वजह से उनको आपने इरेशनल नंबर्स में रखा है, लेकिन नेगेटिव उसमें नहीं आता, माइनस साइन के साथ नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम हुई कि ये हमारे पास यहाँ पे माइनस आ गया, जब इसे सॉल्व किया तो इट मींस ये हुआ कि इसका सोल्यूशन जो है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ये ऐसी इक्वेशन जिसका अब ये माइनस वन, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये ऐसे आंसर आ गया। अब इसमें मैं सॉल्व करूँ तो ये प्लस माइनस आएगा स्क्वायर रूट माइनस वन, और इस तरह माइनस वन स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट, फिर माइनस बिकॉज टू दफ़ा है, टू टाइम्स है, तो माइनस माइनस के साथ आ जाएगा। क्लियर? तो एक चीज़ तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे रियल नंबर्स में। तो यहाँ पे मैथमेटिशियंस ने जो है उनका एक जो है खैश बढ़ी और इस पे उन्होंने वर्क किया, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह के एक लार्जर सेट ऑफ नंबर्स फाइंड कर लिया, ठीक है, उसको आप कहते हैं कम्प्लेक्स सेट। तो क्लियर, उन्होंने ये मैथमेटिशियंस ये कहते हैं स्क्वायर रूट माइनस वन वो इक्वल होता है जी आयोटा के, ठीक है। मीन सिंपली आप कहें आयोटा स्क्वेयर करूँ तो माइनस वन होगा, और इसका आप क्या कर दें स्क्वेयर रूट कर दें माइनस वन का, ठीक है, तो ये अब मेरे पास आ जाएगा आयोटा के इक्वल। तो दैट्स वाई अब इसे मैं क्या कहूँगा, दिस वन ये आयोटा होगा और ये माइनस तो इसके बाहर लगा हुआ है, इसे मैं क्या कर दूँगा माइनस आयोटा। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखूँगा तो आयोटा माइनस आयोटा, और दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल नंबर सेट। अब ये रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो डेफिनेटली इसके लिए कोई न्यू सेट डेवलप किया गया, जो उसका न्यू सेट नाम दे दिया गया, उस सेट को आप कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब उसके बाद मैं डिफाइन भी करवाऊंगा कम्प्लेक्स नंबर को। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि कम्प्लेक्स नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ये स्विस मैथमेटिशियंस था लियोनार्ड यूलर ने 18th सेंचुरी में इस पर काफ़ी वर्क किया, ठीक है। और अच्छा, एक और चीज़ बेटे जहाँ पर ये बता दूँ कि ये जो होता है ना माइनस वन स्क्वायर रूट, इसको आप कहते हैं इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। इसको इसने क्या नेम दिया, इमेजिनरी यूनिट दे दिया, ठीक है। तो दैट्स वाई अब ये जो है ना माइनस वन स्क्वायर रूट माइनस फाइव, ये प्योर इमेजिनरी यूनिट है, इसके साथ कोई कम्प्लेक्स रियल नंबर नहीं है, तो इस वजह से इनको आप क्या कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर्स। अब नेक्स्ट है जी, हम मीन्स के आयोटा वाले नंबर्स को आप क्या कहेंगे, आप कम्प्लेक्स नंबर्स कहेंगे। अब ये क्वेश्चन छोटा सा, आपने इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, आयोटा 10 है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आपने अभी मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप स्क्वायर लेंगे, आप इसका स्क्वायर लूँ ना, बोथ साइड पे स्क्वायर लूँ इस चीज़ का, तो ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आ गया। तो अब अंडरस्टूड है कि आपने आयोटा को ख़त्म करने के लिए फिर आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाइएगा,
ये आयोटा 10 है, तो इसलिए मैंने आयोटा स्केल लिखा। यू नो कि इसमें एक होल नंबर्स होता है -1, तो -1 का पावर 5 है, तो ये ऑड है, तो डेफिनेटली इसका जैसे साइन चेंज नहीं आएगा, तो -1 ही आएगा जितने दफ़ा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब डेफिनेशन क्या होगी कम्प्लेक्स नंबर की। मैं क्या कहूँगा बेटा कि ऐसा कोई भी नंबर, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस ए प्लस बी आयोटा, ठीक है, ए एंड बी आर रियल नंबर्स हैं, याद रखें ये, और ए एंड बी आर रियल, और आयोटा क्या है वो स्क्वेयर रूट -1 की इक्वल है, ठीक है, तो आप इनको कहेंगे इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस ए प्लस बी आयोटा, आयोटा क्या है, आयोटा दिस, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, आप इन्हें क्या कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स कहेंगे, दिस इज़ द डेफिनेशन। अब कम्प्लेक्स नंबर के सेट को ऑलवेज कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से, तो इसे मैं कैसे डिफाइन करूँगा, जी जैसे मैंने कम्प्लेक्स नंबर जी, वेयर है जी क्या इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड आयोटा क्या है दिस, दिस इज़ द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अब ए क्या है, वट इज़ ए, अब जब इसको हम देखें इसमें रियल पार्ट भी है, दिस इज़ रियल पार्ट एंड दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट, तो हमने दोनों को सेपरेट करना है, तो कैसे करेंगे, ए इक्वल टू होगा रियल ऑफ जी, ठीक है जी है ना, एंड बी इक्वल टू होगा इमेजिनरी ऑफ जी, आयोटा के साथ वाली टर्म्स को आप क्या कहेंगे इमेजिनरी कहेंगे, राइट। अब यहाँ पे एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ज़रा याद रखें कि नोट में मैंने करके लिख दिया है, याद रखें मेरे बेटे, ए बिलोंग टू, और मतलब ए एक नंबर है वो रियल से बिलोंग कर रहा है, इज़ अ रियल नंबर, याद रखें ईच रियल नंबर जो है ना इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, राइट, ईच रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, बट नॉट ईच कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। मैंने आपको नीचे एग्जांपल दे दी कैसे, बट कोई भी रियल नंबर है उसके साथ आप प्लस लगा के जीरो आयोटा कर दें तो दैट इज़ वो पॉसिबल है, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, इट मीन्स यहाँ पे आयोटा आ गया, क्या पढ़ते हैं इसे, मैंने क्या कहा था -1 स्क्वेयर रूट को क्या कहें आयोटा, तो आयोटा आ गया, जिसके साथ आयोटा आ गया है तो डेफिनेटली ये क्या बन गया, ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया, लेकिन यहाँ पे बी क्या होगा, बी वो जीरो के इक्वल, लेकिन ये क्या है कम्प्लेक्स नंबर है, इट मीन्स कि ईच रियल नंबर कम्प्लेक्स होता है, बट एवरी जो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो नॉट अ रियल नंबर। क्लियर? अच्छा, इसके साथ एक सेकंड पॉइंट, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें ए ज़ीरो कर दूँ तो देन क्या होगा, ये बी आयोटा ओनली बचेगा, ए की वैल्यू पुट की ज़ीरो, तो दिस इज़ ओनली बी आयोटा, याद रखें बी आयोटा एक प्योरली इमेजिनरी यूनिट है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल आपको दी थी ये, ओके। नेक्स्ट 3b की तरफ, अगर इफ मतलब ए भी ज़ीरो आ जाए बी भी ज़ीरो, वो ज़ीरो हो जाए तो फिर भी याद रखें वो नंबर क्या है, एक ज़ीरो इटसेल्फ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसे ऐसे भी लिखें तो ज़ीरो भी क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अब बेटे तो यहाँ पे आपको काफ़ी आई थिंक काफ़ी जो है अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब यहाँ पे मैं एक हायरार्की आपको दिखाता हूँ कि याद रखें बेटे, हमने स्टार्ट किया था, मैंने ये नंबर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नेम है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, और होल नंबर्स मैंने क्या कहा, जब नेचुरल नंबर के सेट में आप ऐड करते हैं ओनली ज़ीरो तो वो होल नंबर का सेट बन जाता है। अब होल नंबर्स में मैंने कहा दोनों चीज़ें पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव मतलब इंटीजर्स कहेंगे ना होल नंबर्स जो है, वो होल नंबर्स डेफिनेटली क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो इस तरह इंटीजर्स में आपके पास जो पॉजिटिव आएंगे उनको होल नंबर्स कहेंगे, जो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आएंगे, ठीक है, नेगेटिव नेचुरल मतलब -1 -2 -3 एंड सो ऑन मान, तो ये नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, तो इंटीजर होल नंबर्स तो नेगेटिव एंड नेचुरल नंबर्स पे कंटेन कर रहा है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, अब रेशन नंबर्स की तरह हैं, इंटीजर्स डेफिनेटली रेशन नंबर्स होते हैं, तो रेशन नंबर्स और ए रेशन नंबर्स किन को, रियल नंबर्स का आपने डेफिनेशन की थी, यूनियन है रेशनल और ए रेशन नंबर्स का, क्लियर हो गया, तो ए रेशन नंबर्स की तो आगे मजीद नहीं होती पार्टीशन, लेकिन ये रेशन नंबर्स को मजीद आगे ये आप ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स अब यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, देखिए जिसकी तरह मैं जा रहा था, कम्प्लेक्स नंबर यूनियन है रियल नंबर्स का प्लस प्योर इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स तो सारे कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, फिर प्योर इमेजिनरी नंबर्स की जो अभी मैंने ऊपर भी बात की, ये इस तरह के नंबर्स आ गए, तो ये प्योर इमेजिनरी मिलके और रियल नंबर्स मिलके क्या बन गए, कम्प्लेक्स नंबर का सेट बन गए, ठीक है, इट मीन्स कि आप सारे सेट किस में लाइक कर रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में लाइक कर रहे हैं, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आ जाएं जी बेटे, ये तो वहाँ तक कंसेप्ट था कम्प्लेक्स, अब कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट लेना है सिंपली, जस्ट ये एक दिस इज अ कम्प्लेक्स नंबर आपके सामने ए प्लस आयोटा बी एंड देन
आप उसका क्या करें, जो कॉम्प्लेक्स टर्म है ना, मतलब आयोटा के साथ जो टर्म्स लिखी ना, उसका साइन आप चेंज कर दें। आयोटा बी है, इसके साथ क्या प्लस है, तो आप क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये इसका कम्प्लेक्स कहलाएगा, सॉरी कॉन्जुगेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट। तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे जी बार, जी ऊपर क्या रीड करेंगे, जी बार। मीन्स कि अगर आप साइन चाहे, अब इस ये बोथ नंबर जी एंड जी बार आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, ठीक है ना। अब इसको माइनस को प्लस कर दें और प्लस को माइनस कर दें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो वो कॉन्जुगेट कहलाता है। अच्छा अब याद रखें, अगर एक मैंने नंबर है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, वो मुझे जी कॉन्ज, अगेन इसका मैंने कॉन्जुगेट लेंगे लूँगा तो ये प्लस में चला जाएगा। तो डेफिनेटली वो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट लें, अगेन कॉन्जुगेट लें, तो आप वही नंबर गेट कर लेंगे। चलिए अच्छा बेटे, उसके बाद ये देखें, एक नंबर है जी इक्वल टू ए, रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या है, ए, इसमें मैं लिख सकता हूँ ए प्लस जीरो आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो ए प्लस जीरो मीन्स के वही नंबर, अगर आप एक रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको वही इटसेल्फ नंबर मिलेगा। फिर है जी, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो है इक्वलिटी कैसे चेक करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑल ये ए बी सी डी थ्री नंबर्स, फोर नंबर्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं रियल से। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ये कॉम्प्लेक्स, ए प्लस बी आयोटा, सी प्लस बी डी आयोटा। इट मीन्स कि ए रियल रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी यूनिट इमेजिनरी, इसलिए मैंने ए सी के इक्वल लिख दिया, बी डी के इक्वल लिख दिया। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी, ठीक है, कि रियल जो है पार्ट वो रियल पार्ट के इक्वल है एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए ए सी के इक्वल होगा बी डी, बी इज इक्वल टू डी। अब यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कम्प्लेक्स, जैसे हमने रियल नंबर से कितनी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, इक्वलिटी इनइक्वलिटी, ठीक है ना, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको सारे डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी जो जितनी भी रियल नंबर्स की है ना, वो वैलिड हैं सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ऑल प्रॉपर्टी जैसे वो वर्क करते हैं रियल नंबर, सिमिलरली आपकी कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ भी वैसे ही होंगी। अब आ जाइए बेटे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, 2.5। अच्छा 2.5 में फर्स्ट क्या था क्वेश्चन, एवेल्यूएट करें जस्ट ये पार्ट है जी, ठीक है। फोर पार्ट मैंने लिया, माइनस आयोटा एट, आपको इतना पता है आयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल होता है, तो आपने उसको इंटीग्रल पार्ट में ज़रा कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बेटे ये क्या होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर को इसको मैंने ऐसे लिख दिया और उसके पावर फोर कर दिया, एट ही बनेगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर आई नो माइनस वन के इक्वल है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल हो गया क्योंकि इस स्क्वायर ने इस माइनस को बेसिकली पॉजिटिव कर दिया था, फिर आयोटा स्क्वायर माइनस वन है, माइनस वन की पावर फोर है, ये इवन है, जब भी इवन पावर आए नीचे नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगा, आपको पास वन मिलेगा। इस तरह आयोटा 27 को सॉल्व किया। आई मुझे एक ही चीज़ इसमें फ़ायदा है कि आयोटा स्क्वायर मुझे वैल्यू पता है, नो द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर दैट इज़ माइनस वन, दैट्स वाई मैं इसको हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाता हूँ। तो आयोटा स्क्वायर, अब ये 27 है, आयोटा स्क्वायर और इसके पावर 13 कर दी, 13 टू 26 इन टू आयोटा, तो 26 प्लस 1 27 हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, ये बेस सेम है, तो हम सब जो है एक बेस सेम है, तो आप इसकी पावर इकट्ठी कर सकते हैं, ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। सो आयोटा स्क्वायर इज़ माइनस वन 13 स्क्वायर, और ये माइनस वन का 13 टाइम्स मीन्स का माइनस वन ही रहेगा, और माइनस वन आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा आपके पास माइनस आयोटा। ये होमवर्क है, इसी के ये पार्ट हैं बट ये देखें इसके होमवर्क। अब क्वेश्चन टू की तरफ आ जाएं, क्वेश्चन टू कहता है कॉन्जुगेट फाइंड करें। जैसे मैंने अभी पीछे आपको कॉन्जुगेट का बताया था कि जैसे एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर 2+3 आयोटा, जो आयोटा के साथ टर्म्स आ रहे हैं उसका आप क्या करें, सिंबल साइन चेंज, मैंने लेट इज इक्वल टू दिस लिख दिया, जस्ट उसका साइन चेंज कर, दिस इज प्लस और मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सिमिलरली यहाँ है दूसरा है -3 प्लस माइनस, जो रियल नंबर के साथ आ रहा है साइन, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, ओके वो एज इट इज़ हम नीचे लिख देंगे -3। अब यहाँ पर -3 ये +4 -3 बोला, ये जो प्लस आ रहा है आयोटा के साथ इसे आप साइन चेंज कर दें माइनस में। तो इसी तरह बेटे इसका ये भी आपने होमवर्क करना, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएं, 1+ आयोटा। अब इसमें वो कह रहा है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट इसमें से सेपरेट करें। क्वेश्चन 3 क्या, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आप सेपरेट करें। तो ये एक मैंने, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैंने लेट कर दिया 1+ आयोटा। जैसे मैंने पीछे बताया था, फर्स्ट वाला रियल पार्ट होता है और आयोटा के साथ जो भी आ रहा है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो आर ऑफ ई रियल किसका, जी का, वो 1 है, और इमेजिनरी किसका, जी का, वो भी 1 है। आयोटा के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है बेसिकली, यहाँ पे नहीं लिखा ना, तो 1 होता है, कॉमन से अंडरस्टूड है। अच्छा दूसरा ये इसमें देखें, 2+0 आयोटा, तो इसमें 2 रियल पार्ट है और 0 जोन्स है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, गॉट इट। अब आ जाइए क्वेश्चन 4 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई की आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है,
ठीक है, एक्स प्लस ओ टावर प्लस वाई इक्वल टू दिस, ये इक्वल लिखा है। याद रखिए मैंने पीछे अभी इक्वलिटी बताई थी, ये अभी बल्कि ऊपर ही है, ये देखिए इक्वलिटी है। तो रियल रियल के इक्वल होगा और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के इक्वल होगा, मिशनरी सॉरी पार्ट। अब यहाँ देखें, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन इक्वल फोर माइनस थ्री आयोटा आयोटा वाई, सो आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री आयोटा, ठीक है ना। मैंने आयोटा वाले टर्म्स को कंबाइन किया तो आयोटा वाई माइनस थ्री आयोटा कॉम्प्लेक्स के इक्वल आएगा, जो उसका इमेजिनरी पार्ट है। और ये जो दूसरा है रियल पार्ट, वो एक्स और प्लस वाई है ना, तो एक्स प्लस वाई को मैंने इसके इक्वल कर दिया फोर के। अब इसे सॉल्व किया, आयोटा वाई माइनस मीन्स के वाई जो है इसको आगे लिखते हैं, वाई आयोटा कर दें, तो वाई किसके इक्वल है, ये माइनस थ्री के इक्वल है। एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू फोर, यहाँ पे कांस्टेंट, इसे सॉल्व करना है, कांस्टेंट को मैं राइट साइड पे लेकर चला गया, तो एक्स में मुझे क्या मिल गया, थ्री मिल गया। ठीक है, तो ये बेटे आज का था हमारा टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।